राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी कथा जिसे रोजाना सुनने मात्र से माँ लक्ष्मी का आपके यहाँ स्थिर रूप में वास होगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें, जय जगन्नाथ की जरूर लिखें। बंधुओं, यह कथा दरिद्रता दूर करने वाली और पाप का संहार करने वाली है और हर प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। बंधुओं, हजारों जन्मों के अभ्यास से नीलाचल गुहा निवासी भगवान माधव में भक्ति होती है। परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी ने उन्हीं भगवान जगदीश्वर की आराधना करके सृष्टि का निर्माण किया और पितामह की पदवी पाई। तुम भी उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए हो। भगवान के प्रति तुम्हारी ऐसी भक्ति होनी उचित ही है। पग पग पर दुख और संकटों से व्याप्त इस संसार रूपी वन में भटकते हुए मनुष्यों के लिए एकमात्र भगवान विष्णु की भक्ति ही सुख देने वाली है। यह संसार एक समुद्र है, जहाँ कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। सुख दुख आदि द्वंद्वों की प्रचंड आंधी से इसमें सदा तूफान आता रहता है। इस कारण यह अत्यंत दुस्तर है। इस भव सागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए भगवान विष्णु की भक्ति ही नौका मानी गई है। एकमात्र माता भगवती विष्णु भक्ति का आश्रय लेकर संतुष्ट रहने वाले साधु पुरुष कभी शोक नहीं करते। देहधारियों की जो बड़ी भारी पाप राशि है, वह विष्णु भक्ति रूपी महान दावानल में पतंगों की भांति जल जाती है। प्रयाग, गंगा आदि तीर्थ, तपस्या, श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ, महान दान, व्रत, उपवास और नियम, इन सब का सहस्त्रों बार सेवन किया जाए और इनके पुण्य समूह को कोटि कोटि गुना करके एकत्र किया जाए, तो भी वह विष्णु भक्ति के हजारवें अंश के बराबर भी नहीं बताया गया। भक्ति का स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या है? भगवान विष्णु की सनातन भक्ति का सामान्य और विशेष रूप से वर्णन किया गया है। गुणों के भेद से भक्ति तीन प्रकार की है, सात्विक, राजसी और तामसी, और चौथी भक्ति निर्गुणा मानी गई है। जो लोग काम और क्रोध के वशीभूत हैं और प्रत्यक्ष के सिवा और किसी की और दृष्टि नहीं रखते, वे अपने को लाभ और दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए जो भजन करते हैं, उनकी वह भक्ति तामसी कही गई है। अधिक यश की प्राप्ति के लिए दूसरे की स्पर्धा से प्रसंगवश परलोक के लिए भी जो भक्ति होती है, वह राजसी मानी गई है। पारलौकिक लाभ को स्थायी समझकर और इही लोक के समस्त पदार्थों को नश्वर देखकर अपने वर्ण और आश्रम के धर्मों का परित्याग ना करते हुए आत्म ज्ञान के लिए जो भक्ति की जाती है, वह सात्विक ही है। यह जगत जगन्नाथ का ही स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरा कोई कारण नहीं। मैं भी भगवान से भिन्न नहीं हूँ और वे भी मुझसे पृथक नहीं है। ऐसा समझकर भेद उत्पन्न करने वाली बाह्य उपाधियों का त्याग करना और अधिक प्रेम से भगवत स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह अद्वैत नाम वाली भक्ति है, जो मुक्ति का साक्षात साधन है। यह अत्यंत दुर्लभ है। अब मैं
भगवान विष्णु के भक्तों का लक्षण बताता हूँ, जिनका चित अत्यंत शांत है, जो सबके प्रति कोमल भाव रखते हैं, जिन्होंने स्वेच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, जो मन वाणी और क्रिया द्वारा कभी दूसरों से द्रोह करने की इच्छा नहीं रखते, जिनका चित दया से द्रवीभूत होता है, जो चोरी और हिंसा से सदा ही मुख मोड़े रहते हैं, सद्गुणों के संग्रह दूसरों के कार्य साधन में जो प्रसन्नता पूर्वक संलग्न रहते हैं, सदाचार से जिनका जीवन सदा उज्जवल बना रहता है, जो दूसरों के उत्सव को अपना उत्सव मानते हैं, सब प्राणियों के भीतर भगवान वासुदेव को विराजमान देखकर कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, दीनों पर दया करना जिनका स्वभाव बन गया है, और जो सदा पर हित साधन की इच्छा रखते हैं, अविवेकी मनुष्यों का विश्व में जैसा प्रेम होता है, उससे 100 कोटि गुना अधिक प्रीति का विस्तार वे भगवान श्री हरि के प्रति करते हैं। नित्य कर्तव्य बुद्धि से विष्णु स्वरूप शंकर आदि देवताओं का भक्ति पूर्वक पूजन और ध्यान करते हैं। पितरों में भगवान विष्णु की ही बुद्धि रखते हैं। भगवान विष्णु से भिन्न दूसरे किसी वस्तु को नहीं देखते। समष्टि और व्यष्टि सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान जगत से भिन्न होकर भी भिन्न नहीं है। हे भगवान जगन्नाथ, मैं आपका दास हूँ, आपके स्वरूप में भी हूँ, आपसे पृथक कदापि नहीं हूँ। जब आप भगवान विष्णु अंतर्यामी रूप से सब के हृदय में विराजमान है, तब सेव्य अथवा सेवक कोई भी आपसे भिन्न नहीं है। इस भावना से सदा सावधान रहकर जो ब्रह्मा जी के द्वारा वंदनीय युगल चरणार विंदो वाले श्री हरि को सदा प्रणाम करते, उनके नामों का कीर्तन करते, उन्हीं के भजन में तत्पर रहते और संसार के लोगों के समीप अपने को तृण के समान तुच्छ मानकर विनय पूर्ण वर्ताव करते हैं, जगत में सब लोगों का उपकार करने के लिए जो कुशलता का परिचय देते हैं, दूसरों के कुशल क्षेम को अपना ही मानते हैं, दूसरों का तिरस्कार देकर उनके प्रति दया से द्रवीभूत हो जाते हैं, सबके प्रति मन में कल्याण की भावना करते हैं, वे ही विष्णु भगत के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो पत्थर पर धन और मिट्टी के ढेले में प्राय स्त्री और कोट शालमली नामक नरक में मित्र शत्रु भाई बंधु वर्ग में समान बुद्धि रखने वाले हैं, वे ही निश्चित रूप से विष्णु भगत के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो दूसरों की गुण राशि से प्रसन्न होते और प्राय मरम को ढकने का प्रयत्न करते हैं, परिणाम में सबको सुख देते हैं, भगवान में सदा मन लगाए रहते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो भगवान के पापहारी शुभ नाम संबंधी मधुर पद का जप करते और जय जय की घोषणा के साथ भगवान नामों का कीर्तन करते हैं, वे अकिंचन महात्मा वैष्णव के रूप में प्रसिद्ध है, जिनका चित्त श्री हरि के चरणार बिंदों में निरंतर लगा रहता है, जो प्रेम आधिक्य के कारण जड़ बुद्धि सदृश बने रहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जिनके लिए समान है, जो भगवान की पूजा में चतुर हैं, तथा अपने मन और विनय युक्त वाणी को भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके हैं, वे ही वैष्णव के नाम से प्रसिद्ध है। मद और अहंकार गल जाने के कारण जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध हो गया है, अमरों के विश्वसनीय बंधु भगवान नरसिंह का यजन करके जो शोक रहित हो गए हैं, ऐसे वैष्णव निश्चय ही उच्च पद को पाते हैं। भगवान में सदैव उत्तम भक्ति रखने वाले भक्तों के शुभ चरित्र और लक्षण का वर्णन मैंने तुम्हें किया, यह मनुष्यों के कानों में पड़ते ही उनके चिर संचित मल का नाश करता है। भजन के लिए कभी धन की आवश्यकता और शरीर को कष्ट देकर किए जाने वाले किसी विशेष प्रकार के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।